एक तरफ आपकी गर्लफ्रेंड, एक तरफ मैं, क्या चुनोगे? आपने जो मुझे दिया है ना, वो कोई नहीं दे सकता। अरे यार वो नहीं है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों मेरा मजाक उड़ा संदीप महेश्वरी के सेशन में, और इसके पूरे के पूरे जो फैक्ट हैं उस पे हम जाएंगे। ये थोड़ा सा ऑडियो पॉडकास्ट मैं बना रहा हूँ जिससे आपको बेहतर समझ में आए। बिफोर गोइंग ऑन कि सेशन में क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों मेरा हंसी मजाक बना, और कई लोग सोचते हैं आपको बैठा दिया, क्या हुआ ऐसा, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी देना चाहता हूँ अपने बारे में। क्योंकि जब तक आपको बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता चलेगा, तब तक आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा कि ये इंटेंसिटी कहाँ से आ रही है, जो कि संदीप महेश्वरी और मेरा ऑफ द टेबल और मेरे मन के अंदर ही मनगढ़ंत जो रिश्ता है वो कैसे बना, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। तो ये कहानी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। 1993 29 मार्च को मेरा जन्म हुआ कानपुर में। 15 साल की उम्र में जब मैं किशोरावस्था में पहुंचा, तो मैंने ये देखा और बहुत पहले से देखता चला आ रहा था कि मेरे जो मदर फादर हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे घर में। कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद दोनों लोग बिजी रहते थे, पापा भी मेरे बिजी रहते थे, मदर भी मेरी बिजी रहती, तो मैं घर में हमेशा अकेले रहता था। तो अकेला रहते रहते 13 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 14 में एंटर हुआ, 15 में एंटर हुआ, मेरे अंदर बहुत घनघोर अकेलापन आने लगा। ये जो अकेलापन था, ये अकेलापन बेसिकली बहुत ही प्रॉब्लमैटिक था मेरे लिए। मतलब अंदर से बेचैनी होती थी, दर्द होता था, कोई था नहीं बात करने के लिए, कोई दोस्त नहीं थे। फादर मदर की एक प्रॉब्लम थी और मदर मेरी बिजी रहती थी, फादर मेरे बिजी रहते थे। कि आपकी मदर जो हैं, भले ही वो हाउस वाइफ हो, लेकिन वो आपके पास रहती हैं, आपसे बातें बातें करती हैं, वो समझती हैं कि आपके इमोशंस में क्या चल रहा है। ऐसी फैसिलिटीज़ मेरे को प्रदान नहीं थी। मैं अपनी मदर को यहाँ कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरी मदर बहुत अच्छी हैं। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, कुछ भी हुआ, मैं उनको ब्लेम नहीं देना चाहता, लेकिन उसकी वजह से कुछ रिपरकशंस हुए। आज मैं जब इस वक्त को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इमोशनल फीड नहीं डाला गया। एक मदर का इमोशनल फीड होता है, पेरेंट्स का इमोशनल फीड होता है, भले बाप का ना हो लेकिन माँ का हमेशा होता है। तो उसकी वजह से शायद वो बेचैनी और वो अकेलापन था। वक्त बीतता गया और बेचैनी और बढ़ती गई। 15.5 साल, मतलब 16 साल से कुछ 6 महीने पहले 8th क्लास के लिए मेरी कोचिंग लगवा दी गई, तो मैं कोचिंग पढ़ने जाता था। वहाँ पे मुझे एक टीचर दिखी मेरी, शी वॉज 20-21 ईयर ओल्ड एट द टाइम, आई वॉज 15.5 एंड आई स्टार्टेड लुकिंग एट हर। शी वॉज, यू नो, द वे शी यूज्ड टू टॉक एंड एवरीथिंग, आई स्टार्टेड लैकिंग हर। एंड और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, शी स्टार्टेड लैकिंग मी टू। सो आफ्टर 3 months ऑफ कन्वर्जेशंस बिटवीन मी एंड हर, एंड द कन्वर्जेशंस वर लाइक, यू नो, काइंड ऑफ फ्लर्टी, और एंड जब मैं उनके साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट करता था तो वो हंसती थी, तो वट एवर जो भी था, तो शी वॉज काइंड ऑफ इंटू मी एंड आई वॉज तो पूरा इंटू हर। और रात रात में मैं सोचता था कि, मतलब, यू नो, सो नहीं पाता था मैं रात में, 3-3 बजे तक नींद। पहली बार जब प्यार हुआ आपको, है ना, वो इन्फैचुएशन, या कह सकते हैं कि वो जो मोहब्बत होती है, या वो अट्रैक्शन होता है, वो आसक्ति होती है। और वो आसक्ति इसी वजह से होती थी कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था, अब बस ये आ गई है, अब अगर बस ये आ जाए बस, तो बस सब सही हो जाएगा। एक खालीपन है, एक अकेलापन है, वो भर जाएगा। और इसी वजह से मैं बहुत खुश होता था। तो आई प्रपोज्ड एंड शी एक्सेप्टेड मी। इट इज स्टिल शॉकिंग एक्चुअली, या व्हाट टू डू। शी टोल्ड मी वन थिंग, दैट पार्थ, यू आर वेरी मैच्योर ऑफ योर एज। ये मतलब तुम 15 साल के हो नहीं, तुम, मतलब, ऐसा लगता है कि तुम 10 साल बड़े हो, 25 साल की उम्र की बात करते हो। तो शी टोल्ड मी लाइक दैट। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। एंड सडनली एक दिन मैं नहा रहा था, और नहाते नहाते मैं बिल्कुल उनकी यादों में ही खो गया, क्योंकि मैं उस दिन, उसने मेरे को प्रपोजल का हाँ, मतलब रिप्लाई दिया था, एंड शी एक्सेप्टेड माई प्रपोजल। तो मैं नहा भी नहीं पा रहा था, इतना मैं खुश था कि अब हो गया सब कुछ सही, अब वो बेचैनी है, वो अकेलापन से मैं दूर जा चुका हूँ, अब मुझे वो खुशी मिल जाएगी, ये वो। 2-3 महीने बीते,
कुछ थोड़ा बहुत मतलब उनके साथ फिजिकल भी हुए थोड़ा बहुत, किस वगैरह किया, पहली बार किस और पहली बार ये सब जो भी था, इट वॉज अमेजिंग यू नो. 3 months लेटर शी वेंट टू अ डिफरेंट कॉलेज इन अ डिफरेंट सिटी. फ्रॉम देयर शी टोल्ड एग्जैक्टली वॉट यू थिंक. शी टोल्ड दैट यू आर वेरी स्मॉल एंड वी कांट डू दिस, सॉरी. सो एंड शी केप्ट द फोन, और मैं PCO से जाके कॉल करता था. दिस इज इन 2007, यू नो. तो मैं PCO से जाके कॉल करता था उनको. मेरे पास पैसे भी नहीं, ना मेरे पास मोबाइल होता था, कुछ नहीं होता था, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, हमें नहीं दिया जाता था. अब तो सारे बच्चों को 9th 10th तक मिल जाता है. तो मैं बस यही सोचता रहता था, काश मेरे पास फ़ोन होता, छोटा सा फ़ोन 9th क्लास में 8th क्लास में छोटा सा फ़ोन होता. मैं PCO से एक दिन गया, मैं कॉल किया उनको, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, और सडनली शी टोल्ड मी दैट सॉरी प्लीज डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन. आउट ऑफ नोवेयर द पर्सनैलिटी वॉज शिफ्टेड एंड दिस इज वॉट हैपन्स वेन द ब्रेकअप हैपन्स. द पर्सनैलिटी इमीडिएटली गोज साउथ एंड आपको शॉक लगता है कि ये वही आदमी था जिससे मैं बात कर रहा था. ये वही औरत थी जिससे मैं बात कर रहा था. एंड सडनली आई वॉज बैक अगेन इन द रेलम ऑफ डार्कनेस, इन द रेलम ऑफ लोनलीनेस, इन द रेलम ऑफ अकेलापन. बहरहाल 17-18 का हुआ, एक और लड़की आई, उसके साथ भी यही हुआ. आई लाइक्ड हर, आई प्रपोज्ड हर, शी रिजेक्टेड मी. देन वन मोर गर्ल केम, आई लाइक्ड हर, आई प्रपोज्ड हर, शी रिजेक्टेड मी. देन आई वॉज इन द कॉलेज, आई वेंट टू मुंबई बिफोर द कॉलेज एक्चुअली, एंड आई स्ट्रगल्ड देयर फॉर, this is a different story, for playback singing and singing and all that. I wanted to become a musician. In Mumbai also I was living alone. And Mumbai to sabse zyada akela shahar hai. Mumbai mein aapka koi nahi hai. Kanpur aur yahan pe to aap bhale hi doston se mil sakte ho jaake. Lekin Mumbai mein I was just totally alone. And me and my dreams, shattered dreams. Behrhal meri condition ghar ki thodi si sahi hui. तो मैं वापस आया तो मेरी मदर ने बोल दिया कि एक काम कर, तू ये वाला कोर्स कर ले. एंड दैट वाज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड दैट इज़ अ पैरामेडिकल बैकग्राउंड का कोर्स. आई डिड इट, आई एक्सेप्टेड इट, बिकॉज मैं टोटली हार चुका था कि मुझे अब नहीं, मतलब मैं तो कर ही नहीं सकता, सिंगिंग विंगिंग मेरी बस की नहीं है, और यहाँ पे तो बहुत शोषण होता है मुंबई में, ऊपर से अकेलापन और लड़की अलग कोई नहीं मिल रही है. मतलब अंदर से वो लॉन्गिंग थी सच्चे प्यार की. 2014 आते आते मैं कॉलेज में आ गया, दैट वॉज इन कर्नाटका मणिपाल. फर्स्ट ईयर में एक लड़की पसंद आई, अपने क्लास में एक लड़की थी, उसको जाते मैंने प्रपोज कर दिया. तो 2 महीने बाद ही मैंने कहा आप मेरे को अच्छे लगते हो, डायरेक्ट मैसेज पे. और उसने कहा कि नहीं सॉरी मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, और मैं बियर पीने चला गया उसके. I was so alone, yaar. What to do? It was so. It was. Life was so pathetic at the time. There was nobody to talk. I looked at a tree. It was darkness. I looked at the sky. It was darkness. I looked at the moon. Darkness. I looked at the sun. Darkness. मतलब सूरज भी अंधकार में था मेरा. I felt so alone, and she rejected me. Then the same girl in second year got in conflict with his boyfriend over and over again. And dheere dheere she started accepting me. So one day suddenly she served me a gulab jamun and roti and all that. And mere jo favorite dishes ekdam se wo leke aayi. And this was in second year of college. To maine kaha isko kya ho gaya ekdam se. By that time we were good friends. I didn't know ki ye ho raha hai andar uske. बिकॉज आई यूज टू हेल्प हर इन एवरीथिंग इन लाइब्रेरी एंड ऑल दैट. तो शी इमीडिएटली थॉट, जैसे सारी लड़कियाँ इमोशनली होती हैं, और तो यार इससे तो मेरी लड़ाई होती है ये जो मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये जो लड़का है ना ये मेरी इतनी हेल्प करता है, शायद ये मुझे समझता है, मेरे से प्यार. माइट आई ट्राई विद हिम ऑल्सो. एंड सडनली शी सर्व्ड मी ऑल दिस रोटी दाल चावल एंड एवरीथिंग वट एवर आई लाइक्ड. एंड देन देयर वाज दिस गुलाब जामुन. मैंने कहा इसको क्या हो गया अचानक से. तो मैंने उससे पूछा क्या प्रॉब्लम है. तो वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट. ओके एंड दैट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, आई एम नॉट गोइंग टू डीप. आफ्टर फोर्थ ईयर में सडनली उसके घर से कॉल्स आने लगे दैट यू हैव टू गेट मैरिड. एंड हमारी उसकी कास्ट अलग थी,
तो उसने सीधा बोल दिया था, दिस इज इंटर कास्ट प्रॉब्लम, आई कैन नॉट डू इट. एंड इन अ क्लिक टक शी वॉज आउट एंड आई वॉज नॉट. एज यूजल आई वॉज एट द सेम प्लेस एंड दीज पीपल आर गॉन इन अ क्लिक. दे आर जस्ट आउट इन द क्लिक. दे हैव सो मच गुड इमोशंस. They have so much good control over the thoughts and everything. I don't know how it happens. They just have to snap and they are out. They look forward to other goal or mission, whatever, to the future, whatever. And but for me, the snap was the darkness, the akelapan again, and the back to square one. But ek cheez to mujhe realize ho chuki thi halki halki. कि क्योंकि मैं इसके साथ 2-3 साल तक रिलेशन में था, तो मुझे लग रहा था कि यार ये इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं जैसा मैं सोच के आया था. क्योंकि 1-1.5 साल जब आप चले जाते हो तब आपको समझ में आता है. बाकी के पहले रिलेशनशिप जो मेरे हुए थे उसमें ऐसा था कि हाँ मतलब 3-4-5 महीने में ख़त्म हो जाते थे. तो ये चला मेरा 2-3 साल तक, तो मैंने कहा इसमें तो काफ़ी मतलब मैंने सीखा है. एनीवे, जब वो जा रही थी उसके 6 महीने पहले ही मुझे पता चल गया था कि ये मेरे को छोड़ने वाली है. एंड उस डर से मैं YouTube पे सर्च करने लगा और मुझे कॉजलेस हैप्पीनेस नाम का एक वीडियो मिला, दैट इज ऑफ संदीप महेश्वरी. नाउ इट इज डिलीटेड. उसमें वीडियो में बताया था कि एक ऐसी स्टेट होती है जो कॉजलेस होती है. मैंने कहा यही चाहिए. देन आई सर्च्ड मोर एंड मोर ऑफ हिम. आई स्टिल रिमेंबर आई वाज सिटिंग इन द लाइब्रेरी 4th फ्लोर में एंड आई जस्ट यूज टू सर्च हिम हाउ टू हैंडल द नेगेटिविटी ऑफ द माइंड. और वो संदीप महेश्वरी स्पिरिचुअलिटी के चैनल पे था. तो उस वीडियो में उन्होंने बात करी कि आप बॉडी नहीं हो. तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, हो सकता है मैं स्पाइनल कॉर्ड हूं, माइंड हूं. फिर थोड़ी देर बाद थोड़े दिन कुछ और वीडियो आए, उसमें बोला कि आप माइंड और स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं हो. मैंने कहा ये क्या बात हो गई. और मैं कंफ्यूज्ड, मैंने कहा ये क्या बात हो रही, मतलब ठीक है नेगेटिविटी कैसे खत्म करें माइंड की, पर ये कैसे खत्म होगा इसमें मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है. और ये बात क्या हो रही है, मैं शरीर नहीं हूं, क्या बात कर रहे हो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं स्पाइनल कॉर्ड नहीं हूं, क्या बात कर रहे हो. एंड सडनली व्हाट हैपेंड वाज ही टोल्ड दैट यू आर बियॉन्ड दैट. एकदम से मेरे को क्लिक हुआ. बचपन में मुझे बोला था कि शरीर दे बॉडी माइंड स्पिरिट आत्मा ये सब बोला था. तो मैंने कहा साला ये आत्मा की तो बात नहीं हो रही है कहीं पे, लाइक वो वाली बात तो नहीं हो रही जो बचपन में सुनी थी. एंड धीरे धीरे पर करते 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 पता चला कि हाँ, और इंक्वायर किया. एंड सडनली 6 महीने हो गए संदीप महेश्वरी को सुनते सुनते. रोज 2 घंटे में संदीप महेश्वरी को सुनने लगा. उस वक्त ये सब सेशन आ रहे थे, करेज हो गया, पावर ऑफ चॉइस हो गया, इंडियन टूर वाला सेशन था. 2016 अगस्त में बेसिक मेडिटेशन सेशन आया और साउंड ऑफ साइलेंस की उपासना या साउंड ऑफ साइलेंस के ऊपर जो प्रैक्टिस थी, जो अभ्यास था, वो आरंभ हो गया. 3 महीने के अंदर मेरी लोनलीनेस 100% से 20% गायब थी. आई वॉज सिटिंग इन द हॉस्टल. आई यूज टू मेडिटेट फॉर 15-20 मिनट्स इनिशियली. एंड वन डे दिस हैपेंड, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग डे ऑफ माई लाइफ. After 1 month of practicing sound of silence, not only I was feeling amazing, euphoric, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं है. लेकिन क्या था उसको थोड़ा डिटेल में बताना जरूरी होगा. मैं बाहर गया, मैंने पेड़ को देखा. उस पेड़ में मेरे को अंधकार दिखता था. मैंने उस पेड़ को देखा और मैं उस पेड़ के पास गया और मैंने उसको टच किया पहली बार एक दूसरी नजरों से. और ऐसा लग रहा था मेरे और पेड़ के बीच में एक डोर बंधी हुई है और वो डोर मुझे, वो कनेक्शन जो है वो फील होने लगा. और हॉस्टल के सामने एक पेड़ था, मैंने उसको हग कर लिया और मेरे आंखों से हल्के हल्के आंसू निकल रहे थे. आज मुझे याद है, बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस था वो. तो हुआ क्या कि हॉस्टल का गार्ड देख रहा था, कह रहा पागल वागल हो गया क्या ये. वो कह रहा भाई बंदी बंदी नहीं है तेरी. मैंने कहा यार तुम लोग यार हर चीज़ में मजे लेते रहते हो. जैसे आज, जैसे अभी मैं वीडियो बनाता तो लोग सोचते हैं मैं रोस्ट कर रहा हूँ. तो वो उस वक्त भी सब, क्योंकि सबको मजा चाहिए अल्टीमेटली, बिकॉज दे आर डोपामाइनर्स. सो आई वॉज डन विद डोपामाइन. आई एम सॉरी आई कैन नॉट हैंडल कपिल शर्मा एनी मोर. आई एम सॉरी आई कैन नॉट हैंडल यू नो
राजू श्रीवास्तव, विच ही इज अमेजिंग दैट इज नॉट द आंसर फॉर माई लोनलीनेस. सॉरी, आई वॉज ट्राइंग ऑल दीज पीपल फ्रॉम लास्ट 15 years. सॉरी, आई जस्ट कैन नॉट डू इट. सो आई वॉज आउट ऑफ दैट रोस्ट गेम और कॉमेडी गेम. तो मैंने हॉस्टल वाले भैया से बोला, मैंने कहा आपको नहीं समझ में आया. और मेरी आंखों में आंसू थे. मैं बाहर निकला, चरका कैंटीन थी वहाँ पे. कैंटीन में बैठ के हम चाय पीते थे शाम को. तो मेरा एक दोस्त वो आके बैठ गया, बड़बड़ कर रहा था. पहली बार जिंदगी में उसकी एक एक बड़बड़ मैंने पूरी सुनी. मतलब मेरा ध्यान टिक रहा था उसकी बातों पे. एक दिन मेडिटेशन किया तो ऐसा लग रहा था मैं कार को उठा दूं पीछे से. इतनी एनर्जी आ रही थी. मतलब रोज कुछ अलग अलग चेंजेस आ रहे थे. और ये चेंजेस जो थे, ये चेंजेस के बारे में बात नहीं होती थी संदीप जी के सेशंस में. तो मैं बहुत और कंफ्यूज होता जा रहा था, और कंफ्यूज होता जा रहा था. हो क्या रहा है यार ये, और कंफ्यूज होता जा रहा था. ऐसे ही करते 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 दिसंबर आ गया, 2016 दिसंबर. मतलब 6 महीने हो गए. और मेरे अंदर से एहसास आया कि मैं कर्जे में हूं. इतना कुछ इन्होंने मुझे दे दिया था. मतलब साउंड ऑफ साइलेंस मेरे अंदर कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रही थी. और उसका भी कारण यह होता है, जब आप सब कुछ ट्राई कर लेते हो पूरे जीवन में, तब साउंड ऑफ साइलेंस के जो फायदे होते हैं वो आपको मिलते हैं. नहीं तो कई लोग कहते हैं, हमने तो 3 महीने से सुन रहे हैं, हमें कुछ नहीं ऐसा सुन. अरे आपको सच्चा प्यार चाहिए, आप पहले वो ढूंढो जाके. नहीं नहीं हम तो सुन रहे हैं. अरे आपको अरिजीत सिंह बनना है, आप पहले वो करो जाके. नहीं नहीं अरे आपको सिंगिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, डांसिंग करनी है, ट्रैवलिंग करनी है, पहले वो करो जाके. आप लोनली इस वजह से नहीं हो क्योंकि आप सब कुछ कर चुके हो. आप लोनली इस वजह से हो क्योंकि आपको सब कुछ करना है, इस वजह से लोनली हो. और वो आपको, आप वो कर नहीं पा रहे हो. तो देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ लोनलीनेस हियर. दिसंबर आ गया, मुझे फील हुआ कि मैं डेट में हूं. मैंने सोचा कि मैं इस आदमी को क्या दे सकता हूं, ये आदमी चाहता क्या है. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चुपचाप उनके सेशन देखे. और उसमें बोला था, इफ यू हैव मोर देन व्हाट यू नीड, सिंपली शेयर इट विद दोस हु नीड इट द मोस्ट. तो मैंने कहा मैं क्या दे सकता हूं. तो मैंने सोचा कि मेरा जो इंडियन क्लासिकल नॉलेज है, आज तक मैंने इतना कुछ सीखा हुआ है, उसी को यूट्यूब पे डाल देता हूं, फ्री में डाल देता हूं. शायद मैं अपना कुछ डेट, अपना कुछ उधार जो है, जो संदीप महेश्वरी के ऊपर, जो संदीप महेश्वरी ने मुझे दे रखा है, वो मैं दे पाऊंगा. और फाइनली मैंने वो चीज़ कर दी. मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया और वहाँ पे मेरे विद इन 3 months 10,000 सब्सक्राइबर हो गए. फिर एक वो जर्नी अपनी अलग चालू हो गई. हैविंग सेड दैट, कट टू 5 years, 2021 आ गया. उससे एक साल पहले एक और लड़की आई थी, उससे बाहर निकलने में, मतलब शी वॉज द ड्रीम गर्ल ऑफ माई लाइफ, उससे बाहर निकलने में मेरे को 1.5 साल लग गया. जब मैं बाहर निकला, सब कुछ हो गया, 2021 आया. 21 में मुझे मौका मिला पहली बार संदीप महेश्वरी के सेशन में जाके अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपनी वो बातें बताने का जो इतना मैंने झेल रखा है, इतना कुछ हो रखा है मेरी ज़िंदगी में. अब सोचो एक आदमी ने क्या क्या क्या, मतलब आप सोच नहीं सकते कि उसने क्या चीज मुझे दी है. दैट इज द अनहद ध्वनि एंड द नॉलेज ऑफ सेल्फ. एक डूबती हुई चींटी को तिनके का सहारा होता है, वही था, वो तिनके का सहारा ही था. तो मैं बड़ा एक्सपेक्टेशन लेके गया वहां पे. क्वेश्चनिंग वाले सेशन में मैंने बहुत कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करी. मुझे पता आप लोग ये सोचेंगे कि बहुत चाइल्डिश था ये, लेकिन आप एक फैन, एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझने की कोशिश करो. जो मेरा बैकग्राउंड था, मेरे अंदर भरा हुआ था पिछले 5 साल से कि मुझे बताना है, क्योंकि दिस पर्सन वाज ऑलवेज सेइंग कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा, ये ऐसे ही लोग मुंह उठा के आ जाते हैं, ये है वो है. तो मुझे भी लग रहा था कि यार एटलीस्ट उनको पता चलना चाहिए. मुझे क्या पता कि वो इस चीज़ को अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि उनको वही मानना है कुछ नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता. तो मैं गया, मैंने अपना वहाँ पे बोला, मैंने रीइंकार्नेशन और अपने बारे में बताने की कोशिश करी, मेरा बैकग्राउंड बताने की कोशिश करा. तब तक वो बोल दिया कि टाइम नहीं है, उनका कैमरामैन बीच में आ गया, ख़त्म हो गया सेशन. तो मुझे लगा कि सर को शायद किसी बात का बुरा लग गया है कि मैं बहुत क्वेश्चनिंग कर रहा था. हो सकता है क्योंकि आप सोचने लगते हो कि यार यार उनको बता देंगे, ये तो नहीं लग गया, जबकि उनके लिए रोज़ का है. ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे उनके जीवन में. अभी यहाँ तक मैंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चालू नहीं किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सेशन कैसे होते हैं, कैसी उनकी पर्सनैलिटी है एग्जैक्टली. वापस मौका मिला 4-5 महीने बाद फिर से जाने का. उस सेशन में मैं अटेंड किया उस सेशन को. सेशन में पीछे बैठा था मैं,
और उसी सीजन की वीडियो है जहाँ पे आपने वो हंसी मजाक हंसी टिटोली, उस सेशन का नाम है स्टॉप वॉचिंग माई वीडियोज। उस सेशन में मैं बैठा, मेरे को माइक नहीं आ रहा था मेरे हाथ में, तो मैंने एज अ मार्केटर मार्केटिंग सीख रहा था मैं, और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ मार्केटिंग में, उस वक्त भी था, कॉपी राइटिंग का इस्तेमाल किया कॉपी राइटिंग। तो मैंने सीधा हेडलाइन मारी जो मेरा टाइटल था, मैंने कहा कि सर मुझे आपको कुछ सॉरी बोलना है। क्यों? लास्ट टाइम मैं आया था सर। हाँ हाँ, मैंने कुछ ज्यादा क्वेश्चन बोले तो आप थोड़ा इरिटेट हो गए थे मुझे। ये बात तो करनी बनती है, एक बार बोलना जरा माइक देना, मैं इरिटेट हो गया, ऐसा कब हुआ? एक मुझे याद नहीं है सर, मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा था और मैं थोड़ा टॉपिक से डिविएट हो रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा सर आप इरिटेट, आप ऐसे कर रहे इस तरीके से आप कर रहे थे। ये हुआ मेरा रोस्ट शुरू। हाँ अरे नहीं सर, एक मिनट, मैं कैसे कर रहा था यार? तू यार रीबर्थ का देख लो, देख लेना ना, वो है ना खतरनाक इरिटेट हो गया था भाई। 15 दिन सर मैं डिप्रेशन में था, मेरी गर्लफ्रेंड रोज कॉल करती कहती परेशान मत हो, ठीक है वो समझते हैं, बहुत समझदार हैं वो। एक तरफ आपकी गर्लफ्रेंड, एक तरफ मैं, क्या चुनोगे? आपने जो मुझे दिया है ना वो कोई नहीं दे सकता। अरे यार वो नहीं है। तो उनका एकदम से क्यूरियोसिटी आ गया, इसको कॉपी राइटिंग स्किल्स बोलते हैं। तो ही गेव मी द माइक, गेव मी द माइक कि भैया इसको क्यों सॉरी क्यों बोला। मैंने कहा सर आपको मुझे सॉरी बोलना है, मुझे लगता है आपको बुरा लग गया होगा लास्ट। कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो याद भी नहीं है। अरे नहीं सर आप यू नो आप नाक को ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो उस वो आप देखोगे उसमें वीडियो में आपने देखा होगा। फिर सर मेरे को एकदम से माइक मिला, तो अब आप लोगों को विचित्र लगेगा लेकिन मुझे माइक मिला था वापस एक्सप्रेस करने के लिए, तो मैंने जल्दी जल्दी सब बताने की कोशिश करी जिससे मेरे हाथ से माइक ना छीन लें ये लोग, है ना। और मैंने बताने की कोशिश करी सर आपकी वजह से मुझे सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त हुआ है, तो बोलते क्या प्राप्त हो गया आपको? अब यहां से जो था एक, क्योंकि सेशन जो है वो कॉमेडी सेशन था, तो बोलते क्या प्राप्त हो गया आपको? मैंने कहा कि सर आपकी वजह से आत्मज्ञान प्राप्त है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरी जिंदगी में ये हुआ वो हुआ, मैं बहुत लोनली था ये वो। अब मैं एकदम सीरियस होता जा रहा था अपनी स्टोरी, अब वहां पर चल रहा था कॉमेडी सेशन, क्योंकि सबको कैरी में आती चाहिए आजकल, नोबडी केयर्स अबाउट ऑल द बिकॉज दे वॉन्ट क्विक पिल क्या। तो ये आत्मज्ञान वाली लाइन जो है वो काट दी इन्होंने, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने ये बोला कि आपने मुझे जो दिया है ना वो कोई नहीं दे सकता। अब भैया पीछे लोग हंसने लगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा अरे यार वो नहीं है यार, तो इस तरीके से मैंने बात की, और धीरे धीरे करते करते वो सेशन देन और कॉमेडी होते होते ख़त्म हो गया। फिर एक लड़की उठी सेशन के एंड में, वो लड़की मेरे से आगे कहती है कि आपकी स्टोरी मैंने सुनी और मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है, थोड़ा मुझे बताएंगे गाइड करेंगे? मेरा एक चैनल है तो ऐसे में बोलने लगा कि चैनल पर जाके देख लो। बट anyway, तब तक मैं उसको सच में बताने वाला था उस लड़की को, तब तक संदीप महेश्वरी जी के जो वो हैं वॉलेंटियर्स, वो आते कहते हैं देखिए आप लोग टेक दिस आउटसाइड, डोंट टॉक हियर। सो जब मैं बाहर गया तो शी वॉज गायब, बिकॉज आई थिंक उस साइड उसको बुरा लग गया व्हाटएवर जो भी। तो मैं निकल गया। अब वहां पे मेरे को बोला एक और सेशन होने वाला है वेडनेसडे को। अब वो सेशन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो माइंड गेम मेरा है, माइंड का जो पर्सनालिटी है मेरी चेंज हो गई। वो सेशन था अचार प्रशांत के ऊपर वाला। अचार प्रशांत ने रिसेंटली कोई वीडियो बनाया होगा साउंड ऑफ साइलेंस के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाया है। अब उनको बुरा लग गया संदीप सर को, वो भैया वेडनेसडे को सेशन हुआ और वो ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि आपने इनका सुना हुआ है एंड कोई नाम नहीं लेगा ये वो। तो मैंने तो सुन रखा था पहले से, क्योंकि इन सब चीज़ों में सबसे आगे मैं ही हूँ। तो कुछ लोगों ने नहीं सुना था, कुछ लोगों ने सुन रखा था, बहुत कम लोगों थे जो सुन रखा। ही टोल्ड कि देखिए उनको साउंड नहीं आ रही है बिकॉज बॉडी में स्टिफनेस है, या जब मेरे पेरेंट्स को भी नहीं आई थी ये वो एंड ऑल दैट। धीरे धीरे करते करते ही स्टार्टेड गेटिंग एंग्री एंड ही वॉज लाइक नॉट दैट एंग्री बट ही वॉज एंग्री। वो समझ में आ रहा था लाइक कि एंड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, लाइक ही स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एंड रॉक्स टू द स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो बिकॉज दिस इज द एंटायर गेम पीपल आर मेकिंग। Sadhguru is making money out of it and Acharya is making money out of it, and so he's like he started talking about all these things. So he was in this phase where he told something and I raised my hand. उन्होंने ये बोला कि स्पिरिचुअलिटी में जाने से कुछ नहीं होता है। पहली बार बोला मैंने कुछ नहीं बोला, दूसरी बार बोला, तीसरी बार, चौथी बार, तो मैंने क्वेश्चन पूछा, लाजमी सा क्वेश्चन आएगा। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर आइसोलेशन की जो सफरिंग होती है यानी अकेलेपन की सफरिंग होती है वो तो सॉल्व होती होगी ना? कि सर चलो माना कुछ नहीं होता है, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होता, मैं मानता हूँ ऊपर ऊपर से सब सेम रहता है। तो ही टोल्ड कि आप बैठ जाइए। मैंने बोल दिया, मैंने कहा कि ठीक है अगर आप चाहते हैं मैं कुछ ना बोलूँ तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं। मैंने माइक दे दिया वॉलंटियर को।
और धीरे से बोला था मैंने, एंड दिस सौरभ गाई वॉज देयर और ही कमेंटेड ऑन अ लॉट ऑफ वीडियोज. जब बाद में प्रखर की कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसमें भी सौरभ करके एक बंदा था वहाँ पे, उसने भी कमेंट किया था, हाँ भाई मैं आपके पास था, पीछे आगे बैठे हुए थे, मैं पीछे बैठा हुआ था. एंड इफ सौरभ इज लिसनिंग यू कैन कमेंट बिलो सौरभ, मैं आपको पिन कर दूंगा. दैट सेशन नेवर अपलोडेड, नेवर. दैट सेशन वॉज लाइक टोटली ऑफ, नेवर अपलोडेड एंड ऑल दैट. एंड देन आफ्टर टू ईयर्स नाउ ही इज अगेन बैक टू दैट सेम टॉक्स की स्पिरिचुअलिटी से कुछ नहीं होता और जो पैसे कमाते हैं स्पिरिचुअलिटी से वो फ्रॉड है और पैसे कमाने नहीं चाहिए इससे, जो आदमी पैसे कमाता है. तो ये सारी चीज़ें हुई, तो अब मैंने सोचा कि वाई नॉट, यू नो, ही हैज नॉट रिप्लाइड एनी ऑफ माई काउंटर्स इन लास्ट थ्री सेशंस वेयर आई वेंट. लेट्स यूज द फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेट्स यूज इट लाइक, लेट मी नॉट, यू नो, दिस इज, देर इज अ हिडन एजेंडा ऑल्सो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बट उसको, उस हिडन एजेंडा के बारे में बाद में बात करूंगा. बट लेट्स काउंटर हिम. सो विदाउट साउंडिंग डेरोगेटरी, विदाउट साउंडिंग डिसरिस्पेक्टफुल, आई काउंटर्ड. अब पता नहीं लोगों को मिर्ची लग रही है, लगने दो. मैंने क्या सवाल पूछा, मैंने कुछ ऐसा गलत तो आपसे सवाल पूछा नहीं है. आप तो खुद ही इनकरेज करते हो सवाल करने के लिए, इसी वजह से पहले सेशन में, इसी वजह से दूसरे सेशन में, इसी वजह से मैंने तीसरे सेशन में काउंटर्स दिए. अगर आप ये कहते चुपचाप कि मेरी बातें सुनते रहो, मेरे को काउंटर मत दिया करो, मेरे से क्वेश्चन मत किया करो. यू इनकरेज जस्ट टू आस्क द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई रेज माय हैंड, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द वीडियोस. नाउ योर पीपल हैव दिस मिर्ची कि नो, एस्टीम्ड संदीप महेश्वरी जी के बारे में ऐसे मत बात करिए. तो मेरे लिए भी एस्टीम्ड है भैया, मेरे लिए भी एस्टीम्ड है. आज भी मैं साउंड ऑफ साइलेंस की उपासना करता हूँ, आज भी मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर आज भी मेरे से आप कहोगे कि एक तरफ साउंड ऑफ साइलेंस छीन लें और एक तरफ आपके सारे रिश्ते छीन लें, तो मैं अपने रिश्तों को क्या कुर्बान कर सकता हूँ? आप शायद नहीं करोगे. दिस इज द इंपॉर्टेंस विद मी. अनंत ध्वनि नहीं छोड़ सकता, मुझे पता है उसके क्या फायदे हैं, मुझे पता है कि वो क्या वैल्यू है उसकी. बेइज्जती तो है ही है, अब कहीं ना कहीं इतने लोगों के सामने अगर करा तो वो भी इंसल्ट हुई तो उसका तो मुझे बुरा लगा ही लगा. इसका ज्यादा बुरा लगा कि आप जो मेरे काउंटर्स हैं उनका रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो और मुझे चुप क्यों करा दे रहे हो. क्योंकि देखिए, आपके सेशन में 100,000 में से कोई एक आदमी आता होगा जो इंटेलेक्चुअल होगा, बाकी तो आप ऐसे सेशन में ऐसे लोगों को बुलाते हो जो सेशन में शायद एक ही क्वेश्चन को पहले कवर अप कर चुके हैं, वही क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं. और इससे आदमी की गंभीरता झलकती है, इससे ये पता चलता है कि आपने सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं, इससे ये पता चलता है कि आप कितने गंभीर हो, इससे ये पता चलता है कि आपकी तीव्रता कितनी है, इससे ये पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है. आप आके पूछ रहे हो लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है, ये तो 2017 से बात हो रही है. आप आके पूछ रहे हो हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम, ये तो पिछले 1,000 साल में इतनी बार बात हो चुकी है. तो दिस शोज दैट हाउ मच गंभीर यू आर. बट ही नेवर इनकरेजेस द पीपल हु आर एक्चुअली यूजिंग हिज कंटेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिमसेल्फ एंड द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी. ही नेवर इनकरेजेस. सो इट्स हिज डिसीजन, दैट इज ओके. बट आई कैन ऑल्सो मेक द काउंटर्स ना, आई कैन ऑल्सो मेक द वीडियो. दैट इज द प्रॉब्लम. सो वाई आई एम नॉट साउंडिंग डेरोगेटरी टू एनीबॉडी, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बट ठीक है, आई कैन डू इट. सो दिस वॉज द एंटायर सिनेरियो गाइज, दिस इज द एंटायर थिंग वाई इट हैपेंड, दिस वॉज द एंटायर थिंग. ओके, सो नाउ यू कैन जज ऑल यू वॉन्ट. आई नो कि बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन 4,000 सब्सक्राइबर्स, सो नो बडी नोज मी, सो ठीक है, आई नो यू विल गिव कंप्लेन्स एंड ऑल दैट, इट्स ओके फॉर मी. बट अल्टीमेटली आई हैव द फुल राइट टू काउंटर. इफ somebody is replying, इट्स ओके. Somebody is not replying, it's okay. But I have the full rights to counter. I have the full right to give my tark. Nobody can stop me. You guys have understood the entire scenario. And I know some people will still go for negativity. It's okay. But last to last, na ye Sandeep ke followers ko samajh mein aayega, na ye Sandeep Maheshwari ko samajh mein aayega. Ki I respect him also. I respect and I love him also. बट ये किसी को समझ में नहीं आता, स्पेशली आपके जो गुरु हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं फर्क पड़ता है सब चीज़ों का, कि कौन उनके चैनल से बदलाव ला रहा है, कौन कितना सीरियस है. डजंट मैटर, बिकॉज फ्री है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. एनीवे, टेक केयर, बाय.